हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में आज हम 11 और 12 नवंबर 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आपको नोट करते हुए चलना है, और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना होगा। इस वीडियो का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से मिल जाएगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो आपसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछा गया था। क्वेश्चन है, किस देश ने सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, चीन। चीन ने सूडान के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। अब आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष से NEFT लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा? इसका राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन 2020। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी फर्दरिंग डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के अनुसार रिजर्व बैंक विमुद्रीकरण की तीसरी वर्षगांठ पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने से संबंधित एक प्रस्ताव लाया है। जनवरी 2020 से बैंक ऑनलाइन NEFT प्रणाली लेन देन पर बचत बैंक खाताधारकों से कोई शुल्क नहीं लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऐसा करने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठा रहा है। अब ये निर्णय लिया गया है RBI द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसके बारे में जान लीजिए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें क्रम के गवर्नर हैं। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक हैं MK जैन, दूसरे BP कानूनगो, तीसरे NS विश्वनाथन, और चौथा पद खाली है क्योंकि विरल आचार्य ने जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये सारे इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, नई दिल्ली। प्राचीन संस्कृत भाषा पर विचारों, सिद्धांतों और शोध के निष्कर्षों पर चर्चा करने के लिए विशाल प्रदर्शनी संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू किया गया है। 17 देशों के हजारों संस्कृत प्रेमी संस्कृत भारती सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। संस्कृति प्रदर्शनी में भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में संस्कृत के विकास के विभिन्न चरणों को प्रदर्शित करने वाले मानस मॉडल और चार्ट प्रदर्शित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंजनी कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत होंगे? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, माली। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि अंजनी कुमार को माली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा। वह 2003 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। वह माली में प्रदीप कुमार गुप्ता का स्थान लेंगे। अब इनकी नियुक्ति हो रही है माली में, तो माली के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए, ये है वर्ल्ड मैप और इसमें माली, ये है माली जिसकी कैपिटल है बामको, यहाँ की करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बोबाकर केटा। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल ATM सेवा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा KGB, यानी कि कर्नाटक ग्रामीण बैंक। कर्नाटक ग्रामीण बैंक ने कर्नाटक के कालाबुरागी और कई अन्य जिलों में मोबाइल ATM सेवा की शुरुआत की है। इस विशेष वाहन में ATM और विभिन्न बैंकिंग योजनाओं के वीडियो दिखाने के लिए एक स्क्रीन लगाई गई है। मोबाइल ATM किसानों के घर घर जाकर उन्हें बैंकिंग योजनाओं और डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम से अवगत कराएंगे।
वैन में एक बैंक अधिकारी मौजूद होगा जो डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम और योजनाओं के बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 11 नवंबर। 11 नवंबर, प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी कि नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इस दिवस को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। वे स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 1947 से 1958 के अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, IISc, UGC आदि की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हें वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TN सेशन का निधन हो गया, वे कौन थे? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, चुनाव आयुक्त तिरुनल्ले नारायण अय्यर सेशन, जिन्हें TN सेशन के नाम से भी जाना जाता है, का 10 नवंबर 2019 को निधन हो गया। वे भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला था। उन्हें भारत का सबसे प्रभावशाली मुख्य चुनाव आयुक्त माना जाता है। TN सेशन को चुनाव में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ आयोजित होगा? इसका राइट आंसर है फोर्थ ऑप्शन, ब्राजील। ब्राजील 11वें ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2019 की मेजबानी करेगा और इस वर्ष इसकी थीम होगी ब्रिक्स, आर्थिक विकास एक अभिनव भविष्य के लिए। ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है जिसमें शामिल है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण 25 जुलाई 2018 को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। अब यह आयोजन हो रहा है ब्राजील में, तो ब्राजील के बारे में जानने के लिए वर्ल्ड मैप देखते हैं। देखिए ये है वर्ल्ड मैप और इसमें ब्राजील, ये है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, यहाँ की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जेर बोलानोसारो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस ने किस देश को हराकर फेड कप 2019 जीता है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराकर फ्रांस फेड कप जीता है। फ्रांस ने क्रिस्टीना मोदरनिका और कैरोलिना गार्सिया के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इस खिताब पर कब्जा जमाया है। फ्रांस ने पिछली बार साल 2003 में अमेरिका को हराकर यह खिताब जीता था। यह फ्रांस का कुल तीसरा और 16 साल बाद पहला फेड कप खिताब है। अब इस क्वेश्चन में दो देशों की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। दोनों के बारे में जानने के लिए हम वर्ल्ड मैप देखते हैं। सबसे पहले फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। यह है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यहाँ की करेंसी है यूरो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन। दूसरा देश था हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है यहाँ की डॉलर और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 10 नवंबर। विश्व विज्ञान दिवस का उद्देश्य समाज में विज्ञान की भूमिका को रेखांकित करना है। इसके द्वारा जन सामान्य के जीवन में विज्ञान के प्रभाव को प्रदर्शित करना है। इस दिवस को पहली बार साल 2002 में मनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2019 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम मातृ मृत्यु दर दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, केरल।
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS के अनुसार दक्षिण राज्यों में प्रति 1 लाख जन्म पर मात्र मृत्यु दर 77 से घटकर 72 पर आ गई है, जबकि यह आंकड़ा अन्य राज्यों में 93 से घटकर 90 हो गया है। भारत में मात्र मृत्यु दर में साल 2013 से अब तक 26.9% की कमी आई है। केरल ने मात्र मृत्यु दर में गिरावट में पहला स्थान हासिल किया है। इसने मात्र मृत्यु दर में 46 से 42 तक की गिरावट दर्ज की है। अब यहाँ पर केरल केरल के बारे में जानने के लिए हम भारत का मैप देखते हैं। देखिए ये है भारत का मैप और इसमें केरल, ये है केरल। केरल की सीमा कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से लगती है। यहाँ की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजयन पिनरई और यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लीजिए। केरल जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 22वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ का लिंगानुपात भारत में सबसे ज़्यादा 1,084 महिलाएँ प्रति 1,000 पुरुष पर है। यहाँ की साक्षरता दर भी भारत में सबसे ज़्यादा 94% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 96.11% और महिला साक्षरता दर 92.07% है। ये इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है, क्वेश्चन है हेल्थ एटीएम की शुरुआत कहाँ पर हुई है। ऑप्शंस हैं कानपुर, लखनऊ, नई दिल्ली या फिर इंदौर। ये आज के करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।